Welcome dear Rockers, स्वागत आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। स्वीट कॉम्बैट के पहले दो एपिसोड्स को हमने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो के लिए आपका सपोर्ट देकर हम आगे के एपिसोड्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो रॉकर्स, अभी तक आपने देखा कि एक छोटे लड़के को कुछ बुलिस तंग कर रहे थे और मिंग टैन उसको बचाने गया था, लेकिन वो खुद बुलिस के पास फंस गया और तब फेंग्यू और उसके फ्रेंड्स ने उसको बचा लिया था। इसके बाद मिंग टैन ने उसे कॉलेज में कंटिन्यू करने का फैसला किया था। तो चलिए इस एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। इस एपिसोड की शुरुआत में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बयूनो है। बयूनो को जेंगजी कॉलेज से एडमिशन लेटर आया होता है और वो बहुत ही खुश है कि आहा, मुझे लेटर मिल गया। उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसे इस बात की फिक्र होती है कि बयूनो कॉलेज चला गया तो उनकी दुकान कौन संभालेगा। खैर, अब अगले सीन में बयूनो कॉलेज आता है। लगता है उसे इस कॉलेज के बारे में ठीक से पता नहीं था। चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां देखकर उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। बयूनो को देखते ही लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, ये लो दूसरा भी आ गया, लेकिन पहले वाले की तरह ये भी बहुत ही क्यूट है यार। अब बयूनो भी खुद को क्यूट समझने लगता है कि यार मैं सच में क्यूट हूँ क्या। फिर कॉलेज के अंदर फेंग्यू उसको क्रॉस करके जाती है और उसको देखता ही बयूनो को कुछ कुछ होने लगता है। उसे लगता है कि दूसरी लड़कियों की तरह फेंग्यू भी उसको पसंद करेगी और ये सोचकर वो फेंग्यू को छूने जाता है, लेकिन फेंग्यू उसको उठाकर जमीन पर ही पटक देती है और नीचे गिरकर भी बयूनो फेंग्यू को ही देखता रह जाता है। तो अगले शॉट में फेंग कॉर्पोरेशन को दिखाते हैं जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये इस कंपनी का सीईओ है और फेंग्यू का छोटा भाई भी। एक छोटा लड़का होने के बावजूद इसे इस कंपनी का सीईओ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक जीनियस है और बहुत ही समझदारी से अपनी कंपनी के फैसले लेता है। दरअसल KFC से इसका खाना डिलीवर करते वक्त मिंग टैन उन बुलिस से भिड़ गया था और इसी वजह से वो फूड को ठीक टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया। और खाना टाइम पर न मिलने पर फेंग जोयू मनी मन डिलीवरी वाले को डांट रहा होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, फेंग्यू अलग है और फेंग जोयू अलग है। अब कुछ देर बाद मिंग टैन वहां पर पहुंचता है। वो फेंग जोयू को सच बताता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका खाना डिलीवर नहीं कर पाया। दरअसल रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और खाना नीचे गिर गया, लेकिन फेंग जोयू उसकी ईमानदारी को नहीं देखता और डांटता है कि बहाने मत बनाओ ठीक है, खाना न लाने के लिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा। और तब वहां पर फेंग्यू आती है, वो भी इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार है। वो फेंग जोयू से कहती है कि इसे मत डांटो, ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। अच्छा तुम्हारे स्कूल का है तो मैं क्या करूं, कंप्लेंट तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना नहीं लाया। इस पर मिंग टैन दोबारा माफी मांगता है और कहता है ये मेरी गलती है सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लाने की कोशिश करूंगा। और ये कहकर मिंग टैन चला जाता है, लेकिन फेंग जोयू उसको डांटना बंद ही नहीं करता। फिर अगले सीन में फेंग्यू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में वो अपने क्रश को गिफ्ट देने गई थी, लेकिन उसने फेंग्यू का मजाक उड़ाया था कि इतने दिनों से तो तुम लड़कों की ड्रेस पहनती थी और आज अचानक तुम लड़की कैसे बन गई, ऐसे तो सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रूप बदलते हैं, तुम एक पागल मॉन्स्टर हो। और ये सुनकर छोटी फेंग्यू बहुत ही रोई थी, लेकिन उसके मामा ने उसको एक गुड़िया दी थी और बड़े प्यार से पूछा था कि तुम रो क्यों रही हो। फेंग्यू ने रोते हुए बताया कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा, मुझे बहुत ही बुरा लगा मामा जी, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है, लड़की होकर भी मुझे मम्मी पापा ने लड़कों की ड्रेस पहनाई, मतलब मैं सच में मॉन्स्टर हूँ। अब उसकी उदासी देखकर उसके मामा जी ने कहा कि मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी प्यारी अंजलि रहोगी, मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं लेकिन तुम्हारे तो सींग नहीं है, मतलब तुम अंजलि हुई ना। और ये सुनकर फेंग्यू बहुत ही खुश हो गई थी और उनकी दीवी गुड़िया से खेल रही थी। तब अचानक उसके दादाजी ने आकर उसकी गुड़िया छीन ली और उसको डांटा कि इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो। और इस पर फेंग्यू बहुत ही दुखी हो गई थी। अब अपने मामा जी की कब्र के सामने खड़ी होकर वो रोती है कि मैं आपकी दीवी गुड़िया भी अपने साथ नहीं रख पाई। फिर वो कुछ देर प्रार्थना करके वहां से चली जाती है। इतने में मिंग टैन वहां पर पहुंच जाता है और फेंग्यू को कार में जाते हुए देख लेता है। दरअसल मिंग टैन अपने पिता की कब्र पर फूल रखने आया होता है, लेकिन वहां पहले से कुछ फूल रखे हुए होते हैं और मिंग टैन हैरान हो जाता है कि ये फूल पहले किसने रखे। फिर वो अपने फूल रखकर प्रार्थना करता है और चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वैंग फेंग्यू जियाओमी दूसरी क्लास की लड़की मियां और मिंग टैन को बुलाकर पूछते हैं कि कल शाम तुम लोगों ने फिर से लड़ाई की थी ना, तुम लोगों पर कई कंप्लेंट्स आ रही हैं। और मिस्टर वैंग की डांट सुनकर मिंग टैन कहता है कि सारी गलती मेरी है सर, मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए आप सिर्फ मुझको ही पनिशमेंट दीजिए। और अब तीनों लड़कियां बड़ी हैरान हो जाती हैं कि ऐसे अच्छे लड़के भी होते हैं इस दुनिया में, वाह। लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो मिंग टैन, और ऊपर से तुम कॉलेज में नए आए हो, लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स पता है, तो फिर इन लड़कियों ने लड़ाई क्यों की,
आइंदा अगर ऐसी कंप्लेंट मेरे पास आई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे। और कुछ दिनों में टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलकर मिंग टैन को अच्छी ट्रेनिंग दो, उसे भी तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में भाग लेना है और हमारे कॉलेज को भी तो चैंपियनशिप जीतनी है। अब मिया उछल कर मिंग टैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सर मैं इसको ट्रेन करूंगी। मिया को मिंग टैन पर बहुत ही बड़ा क्रश होता है, लेकिन मिंग टैन किसी काम का बहाना करके वहां से बच निकलता है। अब सुनहाओ नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन है। इसने हाई स्कूल के एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपने अपोनेंट को 30 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया था और इस वजह से ये इंटर कॉलेज लेवल पर भी बहुत ही फेमस हो गया है। अब फेंग्यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है। ये लड़की बॉक्सिंग में फेंग्यू से हार गई थी, इसीलिए इस साल के टूर्नामेंट में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया था और वो कहती है कि मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फेंग्यू को हराना है। अब उसकी बात सुनकर सुनहाओ कहता है कि चलो तुम्हारे कॉलेज स्टेडियम में जाकर फैसला करते हैं। और अब कॉलेज में मिंग टैन को दिखाते हैं। कई लड़कियां उससे पूछती हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमें अपना एड्रेस देकर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर मिंग टैन समझ नहीं पाता कि ये ऐसा कह क्यों रहे हैं और फिर आगे चलकर कुछ लड़कियां आकर उसकी मेजरमेंट्स लेने लगती है और तब एक लड़की आकर उसको एक फॉर्म देती है। दरअसल वो ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म होता है। मिंग टैन चौंक जाते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं ऑर्गन्स डोनेट करने वाला हूँ। वो पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब एक लड़की उसे नोटिस बोर्ड देखने को कहती है और वो घबराता हुआ जाकर नोटिस बोर्ड देखता है तो उसमें बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फेंग्यू के अपोनेंट की जगह पर उसका नाम लिखा होता है और ये देखकर तो मिंग टैन की हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन एक लड़की उसको मोटिवेट करती है कि या यू कैन डू इट। दूसरी लड़की कहती है कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं वो चीज तुम्हारी कब्र पर लाकर जरूर रखूंगी। अब इनकी बातें सुनकर मिंग टैन बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता है। तब ज़ाओमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुमको अच्छे से ट्रेन करेंगे। ओके दीदी, और ये कहकर वो चला जाता है। ओए दीदी किसे कहा। अब फेंग्यू को दिखाते हैं जो पेड़ के पास खड़ी कुछ सोच रही होती है। वैसे तो वो सबको अपना एटीट्यूड दिखाती फिरती है, लेकिन जब से उसने मिंग टैन को देखा है वो उसको पसंद करने लगी है। वो खुद से बातें कर रही होती है कि ये वाली फीलिंग मुझे क्यों नहीं आ रही है। तब मिंग टैन आकर पूछता है कि तुमने मुझे अपना अपोनेंट क्यों चुना, क्या मुझे हराकर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो। तुम इसे इंसल्ट क्यों समझती हो, ये तो इस कॉलेज का ट्रेडिशन है। यही नहीं, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम बाहर के किसी भी चैंपियन को हरा सकोगे। लेकिन मिंग टैन कहता है कि मुझे बॉक्सिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी नहीं लड़ूंगा। अब फेंग्यू कहती है कि या तो तुम मुझसे लड़ो या फिर ये कॉलेज छोड़कर चले जाओ। और इस पर मिंग टैन कहता है कि इस बार तो मैं इस कॉलेज को सच में छोड़ने वाला हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। फेंग्यू जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब ज़ाओमी फेंग्यू को डांटती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मिंग टैन कॉलेज से जाने की बात कर रहा है। और तब फेंग्यू उसको सारी बात बताती है। चलते चलते वे केएफसी में पहुंच जाते हैं जहां मिंग टैन फूड डिलीवरी का काम करता है। ज़ाओमी अंदर जाना चाहती है लेकिन फेंग्यू कहती है कि मैं मिंग टैन से माफी नहीं मांगूंगी। और ज़ाओमी कहती है कि माफी मत मांगो लेकिन मुझे भूख लगी यार, खाना तो खाने दो। अब दोनों अंदर जाकर मिंग टैन के बारे में पूछती हैं तो एक लड़का बताता है कि पिछली बार फूड डिलीवरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी और मिंग टैन को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और इस वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। अगले शॉट में बहनों को दिखाते हैं जो कॉलेज में फैशन शो की तरह चल रहा होता है। उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि सारी लड़कियां मुझको ही देख रही हैं और वो खुद को रोमियो समझने लगता है। लेकिन सारी लड़कियां उसको नहीं, उसके पीछे किसी को देख रही होती है। और तब वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे सुनहाओ और उसकी फ्रेंड कॉलेज के अंदर आ रहे होते हैं। अब सारी लड़कियां सुनहाओ के पीछे जाने लगती है। वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में आकर कहती है कि फेंग्यू को बुलाओ, मुझे उसको चैलेंज करना है। अब बयुना मिया से पूछता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। मिया बताती है कि ये इस एरिया का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है, यहाँ बाहर का कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और बयुनो कहते हैं कि क्या मैं भी किसी को चैलेंज कर सकता हूँ। हाँ बयुनो कर सकते हो, लेकिन चैलेंज करने से पहले एम्बुलेंस भी तुमको बुलानी पड़ेगी। और इस पर बयुनो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, इतने छोटे स्टेडियम में मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। तब ज़ाओमी आकर कहती है कि फेंग्यू तुम्हारी गुलाम नहीं, जब तुम चाहो तब आ जाएगी। उसकी फाइट तो मिंग टैन के साथ ही होगी और मिंग टैन को हम ट्रेन करने वाले हैं। तब वो लड़की कहती है कि यहाँ कौन किसके साथ फाइट करेगा, इसका फैसला तुम जूनियर्स लोगे हैं। मिया भी कहती है कि सीनियर्स का फैसला है कि फेंग्यू तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगी, कर लो जो करना है। अब उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है और वो सुनहाओ को देखती है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगले शॉट में फेंग्यू को दिखाते हैं जो मिंग टैन के लिए एक साइकिल खरीदने आई है। उन बुलीज की वजह से मिंग टैन की साइकिल टूट गई थी, इसीलिए फेंग्यू उसके लिए एक नई कॉस्टली साइकिल खरीदना चाहती है। और तब उसके मोबाइल पर मिस्टर वैंग का मैसेज आता है कि मिंग टैन अभी नहीं आया, उसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, तुमने उसे अपना अपोनेंट क्यों चुना। लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर मिस्टर वैंग कॉल करते हैं पर फेंग्यू कॉल को कट कर देती है।
वहाँ मिंग टैन एक लेटर लेकर मिस्टर वैंग के ऑफिस में जाता है। वो कहता है कि मैं एक कॉलेज छोड़कर जाना चाहता हूँ। मिस्टर वैंग कहते हैं कि ऐसा मत करो बेटा, हम लोग यहाँ तुम्हारे लिए नया लॉकर रूम, वाटर हीटर, सारी फैसिलिटीज बनवा तो रहे हैं, और तुम हो कि जाना चाहते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मिंग टैन कहता है कि मेरी परमिशन के बिना आपने मेरा नाम इस टूर्नामेंट में क्यों ऐड किया? मिस्टर वैंग कहते हैं कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जेंगजी कॉलेज का ट्रेडिशन है और तुम्हें फेंग्यू से लड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें डर है कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मास्क बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज कॉलेज छोड़कर मत जाओ। अब मिंग टैन बड़ी कंफ्यूजन में होता है कि वो करे तो करे क्या। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।